हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ दोस्तों। तो ये जीके का जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही डिस्कस किए जाएंगे दोस्तों। तो मिस वर्ल्ड की जो प्रतियोगिता होती है उसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो उसमें 50 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है दोस्तों। जो मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता जो लेडी जीतती है उसको 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मारियस फिसबर्ग किस देश का प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है, तो पोलैंड का प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिसका नाम है दोस्तों मारियस फिसबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव मस्तिष्क व पशु मस्तिष्क में क्या भेद है, तो केवल मात्रा का भेद है दोस्तों मानव मस्तिष्क में और पशु के मस्तिष्क में। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल जैक्सन किस क्षेत्र से प्रतिष्ठित थे, तो पॉप संगीत के अंदर फेमस थे दोस्तों माइकल जैक्सन। ये काफ़ी अच्छा डांस करते थे दोस्तों अपने पैरों के बल पर, तो ये एक पॉप संगीतज्ञ थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की, तो 1 नवंबर 1858 को की थी दोस्तों महारानी विक्टोरिया ने, जो भारतीय जो प्रशासन है उसे भारत में नियंत्रण लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार काशी की जो राजकुमारी है अंबा किस राजा की बेटी के रूप में पुनर्जन्मी थी, तो द्रुपद राजा की जो पुत्री थी उसके रूप में राजकुमारी अंबा पुनर्जीवित हुई थी दोस्तों महाभारत के अनुसार। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था, तो विनोबा भावे को चुना गया था दोस्तों, और जो दूसरा सत्याग्रही चुना गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मलिका ए जमानी किसकी उपाधि है, तो नूरजहां की उपाधि है दोस्तों मलिका ए जमानी। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनकली खां को पलामू का फौजदार किस शासन ने नियुक्त किया था, तो औरंगजेब ने नियुक्त किया था दोस्तों मलकानी खां को फौजदार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश में महिला आयोग का गठन कब हुआ, तो 1998 को हुआ था दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर महिला आयोग का गठन। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आप हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके दोस्तों। तो अंत में जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।